भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब हैं भूपेश बघेल, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने फोटो क्या छापाया उसके यहाँ, ITI छापा पड़ा। हर्षमंदर जो यहाँ छत्तीसगढ़ में कलेक्टर थे उसके यहाँ ED का रेड पड़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी विरोध बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो विरोधी हैं, जो उसके विचारों से इत्तफाक नहीं रखते, उनको वो कुचल डालना चाहते हैं, ख़त्म कर डालना चाहते हैं। और यही कारण है कि सोनू सूद या हर्ष मंदर जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी के आने का कंफर्मेशन हो गया है? अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, कल रात से 25 विधायक किसी होटल में रुकने की सूचना मिल रही है, इसमें आप जानकारी है क्या? कल से चाय पिए, सोशल मीडिया में चल रहा है कि 25 विधायक एक होटल में रुके हुए, क्या आपको इसकी जानकारी है? अब वो चैनल के बारे में मैं क्या कहूँ जो आप लोग नींद हराम करके रखे थे। मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। उद्यानिकी को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उद्यानिकी को भी अब जो जितने भी खरीफ फसल है उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में लाया गया है। पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है गांधी नेहरू परिवार के बारे में। इन लोगों के जो गोडसे के मानने वाले लोग हैं उससे प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। उस परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी, उसके बारे में सवाल उठाते हैं। और ये जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं हमसे सवाल पूछेंगे? गोडसे या सावरकर के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा है, गांधी परिवार के बारे में न बात करें तो ठीक ही रहेगा। सर, बीजेपी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान चला रहे हैं, आपके नजर में कितना सेवा क्या समर्पण? हमारे कांग्रेस साथियों ने आज को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ कि काफी ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया में। मंदिर पुताई भी किए बीजेपी के लोगों ने, आज मंदिरों में पुताई की है नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। मंदिर की पुताई कर रहे हैं आज वो। ये इवेंट मैनेजमेंट में इनकी कोई सानी नहीं है। ये इवेंट मैनेजमेंट करेंगे, देश की सेवा नहीं करेंगे, जनता की सेवा नहीं करेंगे। चेक पोस्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं, क्या चीज़ है? सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट लगे रहेंगे, परिवहन मंत्री से बात कर लें आप लोग, ज्यादा अच्छा है। ये 2.5 साल के मुद्दा को लेकर हाईकमान का कुछ निर्देश आया? इसके मामले में ऑलरेडी हमारे प्रभारी PL पुनिया जी का बयान आ गया है, वही अंतिम है। बालोद में विश्वकर्मा जयंती मनाने जा रहे हैं और वहाँ अनिला भेड़िया जी के यहाँ भी उनके भागवत का कार्यक्रम रखा है, उसमें भी सम्मिलित होंगे। तो ये तो थे CM भूपेश बघेल जो कि मीडिया वालों से बात कर रहे थे और इस दौरान सवाल जवाब के साथ ही वो काफी आक्रामक हो गए जब ये पूछा गया कि बीजेपी वाले गांधी परिवार को लेकर, नेहरू परिवार को लेकर सवाल उठाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वहीं सोनू सूद का जब सवाल पूछा गया तो उस छापे की बात को लेकर भी उन्होंने अपनी राय कायम की, अपनी राय रखी। और इसके अलावा राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी उनको जानकारी नहीं है, कोई भी उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे।